viewers, welcome back to my YouTube channel. Today I am here with worksheet 3 from your third chapter, Money and Credit. Students, I have already uploaded on my channel first two worksheets from this chapter and उसमें मैंने हर concept को clear करने की कोशिश की है. आप लोगों के कमेंट्स भी जब मेरे पास आए तो मुझे पता चला कि आप लोगों ने उसको बहुत लाइक किया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. एंड टुडे आई एम हेयर विद थर्ड वर्कशीट, मनी एंड क्रेडिट. डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी सेकंड वीडियो में मनी को डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द क्रेडिट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्रेडिट. एक्चुअली जो क्रेडिट है वो एक लैटिन वर्ड क्रेडो से निकला है, जिसका मतलब होता है आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास है. एंड क्रेडिट इज द प्रॉमिस यूजुअली बेस्ड ऑन द कॉन्फिडेंस एंड ऑन द बिलीफ दैट द डेब्टर, वेदर ए पर्सन, अ बिजनेस फर्म और अ गवर्नमेंट यूनिट, विल बी एबल एंड विलिंग टू पे ऑन डिमांड और एट सम फ्यूचर टाइम. क्रेडिट एक प्रॉमिस होता है जो डेबिटर यानी कर्ज लेने वाला, उधारकर्ता एक पर्सन हो सकता है, एक पूरी बिजनेस फर्म हो सकती है या फिर कोई गवर्नमेंट यूनिट होती है, वो इस आश्वासन पर उधार लेता है कि वो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस लोन को रीपे कर देगा, ये उसका कॉन्फिडेंस होता है. नाउ जो क्रेडिट होता है वो आपको किन टर्म्स पे मिलेगा, हमने अपने सेकंड वीडियो में जो सोर्सेज थे क्रेडिट के वो डिस्कस किए थे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज. तो जब हम फॉर्मल सोर्सेज में जाते हैं तो कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं जिनकी शर्तों, इन्हीं शर्तों के बेस पर हमें लोन मिलता है. फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज की दर. सेकंड है कोलैटरल. कोलैटरल हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी. बोरोवर की एसेट होती है, बोरोवर की अपनी संपत्ति होती है, वो चाहे उसका, उसकी लैंड हो, उसका घर हो, उसका व्हीकल हो या कोई ज्वेलरी हो, जिसे वो गारंटी के तौर पर लेंडर के पास रखता है. इन केस वो फेल हो जाता है अपने लोन को रीपे करने में, तो जो लेंडर है उसकी एसेट को बेचकर अपना पैसे पूरे कर लेता है, तो कोलैटरल इज़ मस्ट. देन कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की भी ज़रूरत होती है जब हम लोन लेने जाते हैं, और हमें ये भी बताना होता है कि जो रीपेमेंट है यानी कि जब हम लोन को वापस करेंगे तो उसको, उसका मोड क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा. अब जो मनी क्रेडिट होता है वो कई बार संपत्ति के रूप में काम करता है और कई बार वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक डेब्ट ट्रैप बन के उभर जाता है. अब इन दोनों ही सिचुएशंस को हम एक एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं. फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि क्रेडिट जो है वो संपत्ति के रूप में कैसे काम करता है. एक सलीम नाम का व्यक्ति है जो कि एक शू मेकर है और फेस्टिवल सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से उसे 3000 पेयर शूज़ एक महीने में डिलीवर करने का ऑर्डर मिलता है. अब इतना बड़ा ऑर्डर वो अकेले फुलफिल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे कुछ वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो वो कुछ वर्कर्स को हायर करता है उन शूज़ की पेस्टिंग और स्टिचिंग के लिए, ताकि जो प्रोडक्शन है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए और उसको उसका पूरा पैसा टाइम पे मिल जाए. अब उसको क्रेडिट की ज़रूरत है, उसके पास पैसे भी इतने नहीं हैं कि वो 3000 पेयर्स का जो इतना बड़ा ऑर्डर है उसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो अरेंज कर सकता है, तो वो दो सोर्सेज से लोन लेता है. फर्स्ट वो जाता है लेदर सप्लायर के पास और उससे कहता है कि वो सप्लाई, लेदर की सप्लाई पहले कर दे और पेमेंट बाद में ले ले, यानी जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसकी पूरी पेमेंट कर देगा, लेकिन उसे पहले जो लेदर है उसकी सप्लाई पहले करनी होगी उसी समय पर. और सेकंड वो एडवांस पेमेंट ले लेता है 1000 पेयर्स की, जिसने उसे ऑर्डर दिया है उससे. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दो सोर्सेज से लोन लेता है. फर्स्ट
वो लेदर सप्लायर के पास जाता है, उससे लेदर पहले सप्लाई करने के लिए कहता है और पेमेंट बाद में करने को कहता है। सेकेंड, वो 1000 शूज़ की जो पेमेंट है वो पहले ही ले लेता है एडवांस्ड में और अपना काम शुरू कर देता है। इस तरह से उसके पास मटेरियल और पैसा दोनों आ जाते हैं, जिससे वो समय पर अपनी डिलीवरी कर देता है और डिलीवरी करने के बाद, ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद उसको पूरी पेमेंट मिल जाती है, जिससे वो अपने वर्कर्स को भी उनके सैलरी दे देता है और लेदर सप्लायर को भी उसकी पेमेंट करने के बाद भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर क्रेडिट एक असेट की तरह काम आया है, एक ताकत के रूप में काम आया है, एक संपत्ति के रूप में काम आया है। अब हम बात करते हैं कि जो क्रेडिट होता है वो प्रॉब्लम कैसे बन जाता है। एक लेडी है स्वप्ना, जो कि एक स्मॉल फार्मर है, छोटी सी किसान है। 3 एकड़ लैंड पर वो ग्राउंड नट यानी मूंगफली उगवाना चाहती है, जिसकी वजह से उसे वो एक लोन लेती है अपने मनी लेंडर से, अपने लिए बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, इरिगेट करने के लिए। और जो पेस्ट्स होते हैं उनकी वजह से जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है और वो अपना लोन टाइम पर रीपे नहीं कर पाती है। अब नेक्स्ट ईयर से उसे अपनी, क्योंकि उसके पास कोई और काम नहीं है, वो केवल एग्रीकल्चर ही कर सकती है, तो नेक्स्ट टाइम उसे फिर से अपनी लैंड पर कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए फर्टिलाइजर्स, बीज आदि की ज़रूरत होती है। तो उसे एक नए अगले साल फिर से क्रेडिट यानी कि लोन लेना पड़ता है और इस बार उसकी जो क्रॉप है वो नॉर्मल होती है, उसकी अर्निंग इतनी नहीं होती है कि वो अपना पुराना लोन और ये वाला लोन कंप्लीट कर पाए। अब उसे अगली बार फिर से फसल के लिए फिर से लोन लेना होगा, जबकि पहले का लोन भी रीपे नहीं हुआ है। तो इस तरह से धीरे धीरे वो कर्ज के एक जाल में फंस जाती है और जिसकी वजह से उस लोन को रीपे करने के लिए अपनी छोटी सी जो थोड़ी सी लैंड भी उसको बेचनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो उस डेब्ट ट्रैप से बाहर नहीं आ पाती है। यानी कि बार बार लोन लेना और रीपे ना कर पाना, अगली बार फिर से लेना, फिर से रीपे ना करना, तो ये जो है इसे डेब्ट ट्रैप कहते हैं, यानी कर्ज का जाल। अब आप समझ गए होंगे कि जो क्रेडिट होता है वो लोन होता है, वो केवल आपको प्रॉफिट ही नहीं देता, कई बार हमें बहुत लॉस भी उठाना पड़ता है। तो विद दीज टू एग्जांपल्स यू कैन अंडरस्टैंड क्रेडिट एज एन असेट एंड क्रेडिट एज एन डेब्ट ट्रैप। अब आप समझ गए हैं। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहे हैं आपको, अपनी सहायता स्वयं करने वाले संगठन, ये मेनली रूरल एरियाज़ में मिलते हैं आपको, जहाँ पर 15-20 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। और ये अपने जो मेंबर्स होते हैं उनसे हर महीने कुछ शेविंग करवाते हैं और ये सेविंग 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। यानी एक मेंबर जितनी अपनी शेविंग कर सकता है वो उतनी करे, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आपको 500 ही देने हैं या आपको 50 ही देने हैं। तो 25 रुपीज़ से लेकर के 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा, जो जितना सेविंग करना चाहता है वो वहाँ पर शेव कर सकता है। और ये अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको छोटे छोटे लोन भी देता है, जैसे जो रूरल एरियाज़ में होते हैं वहाँ पर लोगों को बहुत छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए लोन की ज़रूरत होती है, लाइक अपने बच्चों की फ़ीस भरने के लिए, या फिर उनका अच्छे से बीमार हो गए हैं तो उनका अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ जा कर के कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन, इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं और वहीं से लोन लेकर के अपना काम चला लेते हैं। एंड नाउ द फंक्शंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये फंक्शन क्या काम करते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग लोन्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट।
फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की जैसे ही या उससे भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड कराता है ताकि उनकी लाइफ जो है वो स्मूथली चल सके। सेकंड, ये जो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड कराता है ये विदाउट एनी कोलैटरल, यानी कि ये इसको कोई कोलैटरल या ऋण आधार की ज़रूरत नहीं होती है और ये विदाउट कोलैटरल ही अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड कराता है। अपने मेंबर्स से छोटी छोटी शेविंग्स कराना करता है, उन्हीं की शेविंग से ये चलता है। ये स्पेशली जो वुमन्स होती हैं रूरल एरियाज़ में, जो पुअर पीपल होते हैं, वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं और वुमन्स स्पेशली जैसे छोटे छोटे बिजनेस करना, अचार पापड़ बनाना, इस तरह के जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं वो भी इससे रन करते हैं। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वहाँ के लोगों को वेरियस सोशल प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराता है। तो लर्नर्स, आज की वर्कशीट में आपने क्रेडिट की डेफिनेशन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट एज एन एसेट, क्रेडिट एज एन डेब्ट ट्रैप, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड फंक्शंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जान लिया है। नाउ द इट्स टाइम टू क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स ऑफ क्रेडिट? टर्म्स ऑफ क्रेडिट से आप क्या समझते हो? राइट डाउन ए नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की इम्पॉर्टेंस या उनके महत्व पर नोट लिखना है। व्हेन डज द डेब्ट ट्रैप अराइज? डेब्ट ट्रैप कब उत्पन्न होता है, व्याख्या करें। क्रेडिट प्लेड अ पॉजिटिव रोल इन स्लीम्स लाइफ। स्लीम की लाइफ में क्रेडिट ने एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट इन द लाइफ और ऑफ फैमिली और रिलेटिव्स अराउंड यू। इसी प्रकार अपने आसपास परिवार या संबंधियों के जीवन में क्रेडिट की जो सकारात्मक पॉजिटिव भूमिका है, पॉजिटिव रोल है, उसके कोई दो और एग्जांपल्स आपको देने हैं। एंड दिस इज़ द वर्कशीट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट। हियर यू कैन सी ऑल द टॉपिक्स आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मेरी वीडियोज़ आपको हेल्प कर रही हैं आपकी स्टडीज़ में, क्योंकि इस कोरोना पीरियड में बहुत मुश्किल है स्कूल्स रीओपन होना। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही धीरे धीरे करके हम अपने पूरे सिलेबस को कवर कर लें। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक विच वी डिस्कस इन दिस वीडियो, यू कैन आस्क मी, यू कमेंट मी। If you found my video helpful in your studies, then share with your maximum friends. Subscribe my channel and don't forget to press the bell button so that you will get the notification of my new video. Stay safe, stay healthy, stay home.